two equal charges q, small q are placed at a distance of 2a and a third charge minus 2q is placed at the midpoint. The potential energy of the system, सिस्टम की potential energy पूछ रहे हैं. तो सिचुएशन ऐसी है कि दो charges हैं q और q, कुछ नहीं दिया तो प्लस q मानेंगे, और उनके बीच में एक नेगेटिव चार्ज हमने रखा है, वो आपका माइनस 2q है. तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा a, और ये वाला सेपरेशन भी कितना होगा a. इस तरह की सिचुएशन है और हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो इसमें टोटल तीन पेयर हैं, एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर इस प्लस वाले का इस प्लस वाले के साथ हुआ. तीन पेयर हैं टोटल, और तीनों पेयरों की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, जोड़ देंगे, नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. तो जरा पहले पेयर की लिखते हैं, इसकी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी के क्यू माइनस 2q अपॉन a. और ऐसा सिर्फ एक पेयर नहीं है, ऐसे दो पेयर हैं, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है. तो दोनों पेयर की लिखनी है तो इंटू 2 कर देंगे, प्लस अब एक पेयर ये वाला हो गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी के क्यू क्यू अपॉन 2a. तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस 4kq स्क्वायर अपॉन a, और ये है प्लस kq स्क्वायर अपॉन 2a. तो अगर हम एलसीएम लें 2a, तो ये आपका आने वाला है माइनस 7kq स्क्वायर अपॉन 2a. k की वैल्यू डाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू डाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये आपका आ जाएगा माइनस 7q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a. सो योर आंसर इज c पार्ट. An alpha particle is accelerated through a potential difference of 10⁶ volt. Its kinetic energy will be. तो alpha particle पे जो चार्ज होता है वो प्लस 2e के बराबर होता है. ये q चार्ज हो गया उसका, और उसको डेल्टा v कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एसलेट करा रहे हैं, 10⁶ volt से एसलेट करा रहे हैं. तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी q इंटू डेल्टा v. इतनी गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वो जाएगा प्लस 2e इंटू 10⁶ volt. सो इट इज़ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 2 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे आप इसको, तो 10⁶ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो योर आंसर इज 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी पार्ट. द रेशियो ऑफ मोमेंटा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विच आर एसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 volt. ठीक है, आपको मोमेंटम का रेशियो पूछ रहे हैं, तो जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, मोमेंटम होता है √2mk. और अगर q चार्ज को डेल्टा v से एसलेट करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो q इंटू डेल्टा v आ जाएगी. ठीक, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में बात चल रही है, इनके मोमेंटम का रेशियो निकालना है, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक, देखते जाइए आराम से, सब कुछ अंडर रूट के अंदर जाने वाला. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिख नहीं रहे उसको. यहाँ बनेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ बनेगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर हम e मानेंगे, मैग्नीट्यूड ही है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2e. दोनों का मैग्नीट्यूड ही डाला है. इलेक्ट्रॉन को भी जितने वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एसलेट कराया है उतने ही वोल्ट से आपने अल्फा पार्टिकल को भी एसलेट कराया है. तो यहाँ पर भी 100 volt लिखेंगे, यहाँ पर भी 100 volt लिखेंगे, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ई से ई कैंसिल आउट हुआ, तो ये जो रेशियो आया वो आया अंडर रूट ऑफ me अपॉन 2 टाइम्स m अल्फा. सो योर आंसर इज डी पार्ट. टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2m विथ चार्जेस 2q एंड q आर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e एंड अलाउड टू मूव फॉर सम टाइम. कुछ देर तक उनको चलने दिया. ठीक है, सेम टाइम अलाउ टू मूव फॉर सेम टाइम तक उनको चलने दिया. ठीक, जरा देखते हैं क्या क्या. दो पार्टिकल हैं, एक का मास m, दूसरे का मास 2m. पहले वाले का चार्ज 2q तो दूसरे वाले का चार्ज q. दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम टाइम तक चलने दिया. और आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, आराम से समझिए. कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के, मैं सबसे सिंपल आपको बताता हूँ. अगर मैं इसका एसलेशन निकालूँ तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स, और फोर्स अपॉन मास हो गया एसलेशन. और एसलेशन से अगर टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई इसकी वेलोसिटी. क्लियर? ठीक, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। यानी पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी K1 लिखेंगे तो ये आ गई 2 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले के लिए अपनाएंगे। तो फोर्स कितना होगा, तो Q इंटू ई, चार्ज इसका Q है, Q इंटू ई और मास इसका 2m है, तो ये बन गया एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन। इंटू टाइम करेंगे तो ये आ गई इसकी वेलोसिटी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी K2 अगर हम लिखेंगे तो फिर से वही हाफ एम, एम कितना है 2m इंटू वी स्क्वायर। सो ये हो गया Q स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आपकी आ रही है Q स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4m। अब आप बस देख के बता दीजिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या कनेक्शन है। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे से 8 गुना ज़्यादा है, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 8:1 बनेगा। ए पार्ट, ए स्फेरिकल कंडेंसर हैज इनर एंड आउटर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी इनर और आउटर रेडियस ए और बी दी हुई है। द स्पेस बिटवीन द टू इज फिल्ड विद एयर। द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटीज ऑफ द टू कंडेंसर फॉर्म्ड व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ। ठीक, तो इसको बहुत ढंग से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 स्फीयर हैं, ठीक है, मान लिया ये सेंटर है, यहाँ बनाएंगे हम इस सेंटर को लेके 2 कंसेंट्रिक स्फीयर बनाएंगे। ये ठीक है, एक की रेडियस है ए और एक की रेडियस है बी, ए और ये बी। देखिए अब इसमें कंसेप्ट क्या है वो समझिए। आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं कैपेसिटी का, कब, जब एक केस में जब हमने भार वाला अर्थ किया। अगर हम भार वाले को अर्थ कर देंगे तो सिर्फ ये वाला जो रीजन है ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक। और इसका जो कैपेसिटेंस होगा C1 लिखता हूँ, वो हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, कब, जब हमने भार वाले को अर्थ कर दिया, ठीक। ये पहला केस है। दूसरा केस, अगर हमने अंदर वाली सरफेस को अर्थ किया, ठीक, तो होगा क्या, ये वाला रीजन भी कैपेसिटर बनेगा और ये भार वाला जो रीजन है वो भी कैपेसिटर बनेगा, और ये दोनों आएंगे पैरेलल में, और जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो आपका आएगा C1 प्लस C2। तो अंदर वाले का कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये अंदर वाले का होगा, प्लस भार वाले कितना होगा, तो भार वाला तो एक सिंगल स्फेरिकल शेल है तो उसका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये कब, जब हमने अंदर वाले स्फीयर को अर्थ किया, और ये वाला कब, जब हमने बाहर वाले स्फीयर को अर्थ किया। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो ये आएगा। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है कैपेसिटेंस में, तो वो कितना आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ढंग से समझना है आपको। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में डाउट आ सकती है कि ये वाला अंदर वाला कैपेसिटेंस और बाहर वाला कैपेसिटेंस पैरेलल में कैसे हुए, तो इसलिए पैरेलल में हुए। देखिए इनके अकाउंट पोटेंशियल सेम है, क्यों, अंदर वाले को अर्थ कर दिया तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0, और ये जो बाहर वाला कैपेसिटर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इन्फानाइट तक जाएंगी, तो इन्फानाइट का पोटेंशियल कितना होगा, 0। ये समझ में आया आपको। तो इसके अंदर वाली सरफेस का पोटेंशियल भी 0 है, और दूसरे वाले कैपेसिटर की जो बाहर वाली सबसे इन्फानाइट वाली सरफेस है उसका भी पोटेंशियल कितना है, 0, और ये वाली जो सरफेस है ये दोनों में कॉमन है। तो अगर मैंने कहा कि इसका पोटेंशियल V है, तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 हो गया, और दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 हो गया। तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो वो दोनों कैपेसिटर किस में आ गए, पैरेलल में, और इसीलिए मैंने नेट कैपेसिटेंस कैसे निकाला, C1 प्लस C2 करके। थ्री चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तीनों चार्जेज हैं 1 माइक्रोकूलाम, -2 माइक्रोकूलाम एंड 4 माइक्रोकूलाम। और ये कह रहे हैं कि सिस्टम को पूरी तरह से इन्फिनाइट, इंडिविजुअली इन्फिनाइट पे पहुंचाने में, मतलब डिसेंबल कर दिया इसको, वर्क डन सेपरेटिंग द चार्जेस टू इन्फिनिटी, इनके भी ये तीनों चार्जेस हैं, इनको बहुत बहुत दूर पहुंचा दिया एक दूसरे से, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए क्या सिचुएशन है। अभी तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, कितना है 1 माइक्रो कूलाम, दूसरा है -2 माइक्रो कूलाम और तीसरा है 4 माइक्रो कूलाम। कंसेप्ट समझ लीजिए, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है यानी 0.1 मीटर है। ठीक है, ये सारे सेपरेशन 0.1 मीटर है, ये भी कितना 0.1 मीटर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जो भी आएगी अभी सॉल्व करेंगे। फिर मैंने इसको भी इन्फिनाइट पे भेज दिया, इसको भी बहुत दूर भेज दिया और इसको भी बहुत दूर भेज दिया, और ये तीनों चार्जेज एक दूसरे से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे भेज दिए, तो इस सिस्टम की जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक, और जो वर्कडन होगा, वर्कडन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो हमेशा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर हो। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिलेगा। तो कुल मिला के फाइनल तो आपको पता ही है, इनिशियल ही निकालनी है। ठीक है, तो जरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। 3 पेयर हैं, एक एक करके निकालेंगे। पहले इस पेयर की निकालते हैं, तो K 9 × 10⁹ Q1 1 माइक्रो कूलाम, या अभी पहले K के टर्म्स में लगते हैं। K Q1 कितना है 1 माइक्रो कूलाम, Q2 कितना है -2 माइक्रो कूलाम अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.1। ये पहले पेयर की, दूसरे पेयर की ये, तो दूसरे पेयर में K और 0.1 तो सेम ही रहेगा, चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग हो जाएगा, तो K अपॉन 0.1 तो सेम ही रहेगा, और ये होगा -2 माइक्रो कूलाम इंटू 8 माइक्रो कूलाम इंटू 4 माइक्रो कूलाम, सॉरी 4 माइक्रो कूलाम, और तीसरे पेयर की हो जाएगी K अपॉन 0.1 1 माइक्रो कूलाम इंटू 4 माइक्रो कूलाम। तो जरा देखते हैं ये कितना आने वाला है। K अपॉन 0.1, K की वैल्यू भी बाहर लिख देता हूँ, 9 × 10⁹ अपॉन 0.1 किया तो 9 × 10⁹ बन गई। अब अंदर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, ये -8 आ रहा है और ये +4 आ रहा है। ठीक, यहाँ -2 है, ये -8 है, तो -10 हो गया, और ये +4 है यानी -6 बचा, -6, और माइक्रोकूलाम इंटू माइक्रोकूलाम करेंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा ये, तो इससे जब कैंसिल करेंगे इसको तो 10⁻-2 बचेगा, और ये 6×9 = 54 होता है, तो -54 इंटू 10⁻-2 यानी -0.54 जूल। ये है इनिशियल एनर्जी, और वर्क डन किसके बराबर होगा, फाइनल मतलब 0 माइनस इनिशियल मतलब -0.54, सो इट इज़ 0.54 जूल। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा उन सारे चार्जेस को इन्फिनाइट में पहुंचाने के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने शायद सारी कैलकुलेशन ठीक करी है, एक बार आप फिर भी चेक कर लेना। मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है नन ऑफ दीज, बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ कम ज़्यादा हुआ हो, तो वो आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से ये 1 -2 4 -2 -8 -10 +4 6 -6 ही आएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से आंसर इसमें डी पार्ट है। At a distance of 1 meter from a fixed charge of 1 milli coulomb, a particle of mass 2 gram and charge 1 micro coulomb is held stationary. Both the charges are placed on a smooth horizontal surface. If the particle is made free to move, then its speed at a distance 10 meter from the fixed charge. Diagram बनाएंगे। एक smooth table है, उस पे एक चार्ज तो आपने फिक्स करके रखी दिया, एक चार्ज है इसको फिक्स करके रखा, ये फिक्स है। कितना चार्ज है 1 मिली कूलाम। ठीक, और वहां से 1 मीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज आपने रखा, उसका मास m दिया है, चार्ज इसको चलो मैं कह लेता हूँ कैपिटल Q, इसको मैं कह देता हूँ स्मॉल q। ठीक, और ये जो सेपरेशन है अभी कह देते हैं इसको R0। फिर इस पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से स्मूथ सरफेस पे भागेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि जब इसकी डिस्टेंस 10 मीटर हो जाती है तब स्पीड कितनी होगी, यानी जब ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते आर के बराबर हो जाती है, हम जनरल करेंगे, फाइनल वैल्यू आप बाद में पुट कर लेना। जब ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते आर के बराबर हो जाती है तब इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, पहला वाला तो आपने फिक्स किया हुआ, वो तो हिलेगा नहीं। ठीक, तो हो क्या रहा है, ये भाग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से। तो जब भागेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा। तो सिंपल ये एनर्जी कंजर्वेशन है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। या फिर सिंपली आप कह सकते हो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर नॉट, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो वो है जीरो, क्योंकि रेस्ट से हमने इसको रिलीज किया। इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वी फाइंड करना है, तो आप सारी वैल्यू डालिए इसमें, सारे चार्जेस मास वगैरह सब कुछ आपको दिए हैं, सारी वैल्यू डालिए एसआई यूनिट में, डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए और आपको आंसर मिलेगा। ठीक, और ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल आने वाला है। ठीक है, v का स्क्वायर एक ऐसी वैल्यू आएगी जो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, वरना आंसर पॉइंट्स वगैरह में होता, तो कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, कैलकुलेशन आसान होगी। सारी वैल्यू डालिए, मिली गुलाम को 10³ -3 लिखना है, माइक्रो गुलाम को 10³ -6 लिखना, आराम सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाई ए 6 आइडेंटिकल चार्जेज एट ए डिस्टेंस आर एज शोन इन ए फिगर। फिगर देखेंगे क्या है, हाउ मच वर्क इज डन बाई द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वैन ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर इज रिमूव टू इन्फिनिटी। सेंटर से उसको इन्फिनाइट तक लेके जा रहे हैं। डायग्राम देखते हैं क्या है। डायग्राम नहीं है, डायग्राम मिसिंग है, तो मुश्किल है इसको सॉल्व कर पाना। तो अपनी मर्जी से करते हैं, फिर ये क्वेश्चन अपनी मर्जी से एक डायग्राम बना के करते हैं सेटल इसको। देखिए 6 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो कॉमन सेंस स्टफ है, मैं एक हेक्सागन बना लेता हूँ। ये हेक्सागन है और इसके हर कॉर्नर पे एक चार्ज है स्मॉल क्यू। और सेंटर पे भी एक क्यू चार्ज मान लेते हैं, और इस क्यू चार्ज को ही हमें यहाँ से कहाँ पहुँचाना है, इन्फिनाइट तक पहुँचाना है। और ये सारी डिस्टेंस आर है, जब ये सारी डिस्टेंस आर हैं, रेगुलर हेक्सागन है, तो इसकी क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस क्या होगी, आर ही होगी। रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, ये सारी डिस्टेंस भी क्या होगी आपकी आर। तो इसको इन्फिनाइट तक भेजने में हमसे ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। जिस चार्ज को मूव करा रहे हो वो भी क्यू है, फाइनली कहाँ पहुँचा रहे हो उसको, इन्फिनिटी पे, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इनिशियल मतलब सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा। तो हर चार्ज की वजह से होगा के क्यू बाई आर, और ऐसे 6 चार्ज हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स के क्यू बाई आर। सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज माइनस 6 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होगा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। ठीक, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कितना होगा। तो अगर ये प्रोसेस बहुत ही आराम से करी हो, हमने बहुत ही स्लोली करी हो, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक, अब ऑल द फोर्सेज में कौन कौन आएगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट विल बी जीरो। हमने बहुत स्लोली इसको आराम से उसको इन्फिनाइट तक लेके गए हैं। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन का सम जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो माइनस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू के 6 टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो योर आंसर इज बी पार्ट। पांच कैपेसिटर हैं, हर किसी का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, 10 10 10 माइक्रोफैराड है, और आपने यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगाई है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जैसे रेजिस्टेंस का गेम होता है वैसे ही कैपेसिटर्स का भी गेम होता है कि अगर C1 अपॉन C2 C3 अपॉन C4 के बराबर होता है तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर होता है वो यूजलेस हो जाता है। तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हो। जैसे ही आप उसको हटाओगे तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में आ जाएंगे और नीचे वाले भी दोनों आपस में सीरीज में आ जाएंगे, और फिर ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आपस में किस में आ जाएगी, पैरेलल में। तो 10 और 10 का सीरीज में होता है 5 कैपेसिटर है ये। इसी तरह से इस 10 और इस 10 का भी सीरीज में क्या होगा, 5, और 5 और 5 का जो पैरेलल में होगा वो 10 माइक्रोफैराड होगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। तीन कैपेसिटर हैं और उनका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड एंड 18 माइक्रोफैराड है। आर कनेक्टेड वंस इन सीरीज एंड अदर टाइम इज पैरेलल। और नेट कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। तीन कैपेसिटर हैं तो एक है 3, एक है 9 और एक है 18। तो पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं फिर पैरेलल में रेशियो निकालना, ठीक है। तो सीरीज में कितना हो जाएगा 1/CS, अगर सीरीज में नेट कैपेसिटेंस होगा तो होगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। LCM कितना आने वाला है इसका, 18, तो आएगा 6 + 2 + 1, सो इट इज़ 9/18। तो CS जो यहाँ से आया वो आपका आया 2 माइक्रोफैरड। पैरेलल में CP कितना होगा, तो पैरेलल में उठा के तो सीधे जोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 30 माइक्रोफैरड। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:15। In a circuit diagram shown in an adjoining figure, the resultant capacitance between point P and Q, P और Q के बीच में, तो बहुत ही आसान है, ये दोनों पैरेलल में, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर 5, 12 और 20 ये आपके सीरीज में आ गए। तो कितना आएगा नेट, तो 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। तो LCM कितना आने वाला है, LCM इनका 60 आने वाला है, 5 + 12 + 3, so it is 18/60, नहीं सॉरी 20/60। 20/60 है 1/C नेट, तो C नेट कितना आ जाएगा, C नेट आपका आएगा 3 माइक्रोफैरड। बिना कैलकुलेशन करके भी आप मार सकते थे। जैसे ही आपको ये पता लग गया कि 3 और 2 पैरेलल में कितना आ जाएगा, ये 5 माइक्रोफैरड, तो इसके बाद तो आपको समझ में आ गया कि 12 और ये 5 और ये 20 सीरीज में है, और सीरीज में कैपेसिटर के केस में ये 1/करके ऐड होगा। तो 1/वाले पैटर्न में जब एडिशन होता है तो नेट कैपेसिटेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है, यानी नेट आंसर आपका 5 माइक्रोफैरड से भी छोटा आएगा। तो वो एक ही आंसर है 3 माइक्रोफैरड, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। 4 कैपेसिटर हैं, ईच ऑफ कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड, आर कनेक्टेड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। 4 हैं, चारों की 3 3 माइक्रोफैरड के हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब आपसे रेशियो पूछ रहे हैं ए और बी के अबाउट, ए और सी के अबाउट। तो पहले ए और बी के अबाउट निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ए और बी के अबाउट निकालोगे तो ये तीनों तो आ जाएंगे सीरीज में, 3 3 3 3 का सीरीज में बनेगा 1, और ये 1 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड आपस में पैरेलल में आएंगे। सो ये टोटल आंसर इज 4 माइक्रोफैरड। ये है ए और बी के क्रॉस। अब अगर ए और सी के क्रॉस लिखना होगा वो भी समझिए। अगर ए और सी के क्रॉस देख रहे हैं यानी एक टर्मिनल ए कनेक्ट है, एक टर्मिनल सी के साथ कनेक्ट है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। 3 और 3 का 3/2, ये दोनों भी सीरीज में आ गए। 3 और 3 का 3/2 और ये 3/2 और ये भी 3/2 आपस में पैरेलल में है, तो 3/2 + 3/2 3 आ गया। तो ये नेट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड होगा। और आपको इनका रेशियो पूछा है तो रेशियो आपका आ गया 4:3, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट।